चलिए जल्दी से सभी बच्चे लाइव में जुड़ जाओ फटाफट। एक बार वीडियो को शेयर कर दो, जितना भी स्टूडेंट हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दो। एग्जाम आज एग्जाम में होने वाला है, जल्दी से इस वीडियो को रिवीजन करके सभी को जाना है, इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। जल्दी से एक बार शेयर कर दो। गुड मॉर्निंग सुमित, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मेरा वॉइस और वीडियो क्वालिटी सही आ रहा है? एक बार बताओ मेरा वॉइस और वीडियो क्वालिटी सही से जा रहा है? जल्दी थोड़ा बताओ तो मेरा वीडियो क्वालिटी और वॉइस सही जा रहा है? वॉइस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए अब शुरू करते हैं, बिना देरी किए क्लास शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से मन है तो शेयर कर दो और अपना धर्म निभाओ। जल्दी से लाइक ठोको, लाइक भी जल्दी से ठोको। चलो, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल एग्जाम का बायोलॉजी या सेट है। बायोलॉजी जो पूरा रिवीजन एकदम 100% रिवीजन है, जो एग्जाम आज एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना है, समझ गए? सेट कोड यहाँ पर लिखा रहेगा और विषय कोड यहाँ पर, और यहाँ पर प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या यहाँ पर लिखा रहेगा। कुल फुल मार्क्स 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो 3 घंटा 15 मिनट समय देगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात रहेगा, जो 15 मिनट का जो यूज करेगा उसके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट है। जिस वक्त 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा उसी समय आपको 70 क्वेश्चन का यूटिलाइज कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन को हमको आंसर लगाना है। सिर्फ 35 क्वेश्चन का आपको आंसर लगाना है। एक बार जल्दी से लाइक और शेयर करो, जल्दी से लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो फटाफट। ये कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, समझ गए? बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। चलिए आप शुरू करते हैं आज का क्लास का प्रथम क्वेश्चन। मोटिवेशनल लाइक ठोक दिए सर, बहुत बढ़िया विनय बिहारी। चलिए एक बार शेयर कर दो, लाइक ठोक दिए तो एक बार फटाफट शेयर कर दो। चलिए अब यहां से शुरू करते क्लास, आप फटाफट राइट आंसर लगाना शुरू कर दो। इनमें से एक मिनट, इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? जल माध्यम किसके लिए निषेचन के लिए आवश्यक है? चार ऑप्शन है, जल्दी से राइट आंसर लगा के आपका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर लगाओ जल्दी से। तो बायोफाइटा में जल आवश्यक होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी खो आ जाएगा, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन है पुष्पीय पौधा में उतना नहीं बायोफाइटा जो जले में ही पैदा होता है, समझ गए? जलीय पौधा होता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हीमोफीलिया से संबंध में निम्न में से कौन सा भिन्न है? हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन सा भिन्न है? चार ऑप्शन है, चार नंबर राइट आंसर लगा के क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। एक संलग्न प्रभावित दिया डिस ऑर्डर हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोआ यानी ए। हम कोआ को ए बोलेंगे, समझ गए? ए इसको बोलेंगे, बी खोआ को बोलेंगे, सी गोआ को बोलेंगे और डी घोआ को बोलेंगे, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मिनी माटा बीमारी किसके कारण होता है? मिनी माटा जो बीमारी होता है वो किस कारण से होता है? मिनी माटा बीमारी जल्दी बताओ, मिनी माटा बीमारी होता है मरकरी के कारण होता है, मकड़ी के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन 4 कहता है, इनमें से कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय के प्रजाति है? सबसे ज्यादा दूध कौन सा गाय का किस्म जैसे नहीं होता है? सहीवाल और क्या क्या होता है उसी प्रकार होता है। इनमें से कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय होती है? जर्सी, फिरोजियन, सहीवाल, उसी प्रकार है। जल्दी से बता क्वेश्चन 4 का राइट आंसर। बाद बने होलस्टीन जो गाय है ना वो सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की प्रजाति में आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। और मुर्रा जो है भैंस के प्रजाति में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन जो है वह किसमें पाया जाता है? द्विखंडन जो है वह अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर घो आ जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स एक्स माइनस एक्स ओ टाइप के लिंग निर्धारण में क्या होता है? एक्स एक्स और एक्स ओ के लिंग निर्धारण में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर को उनका 100% है। क्या हुआ? मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, समझ गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दुई प्रदूषक, दुई प्रदूषक क्या है? दुई द्वितीय प्रदूषक क्या है? दुई किया द्वितीय ऐसा भी रहेगा क्वेश्चन, द्वित प्रदूषक क्या है और द्वितीय प्रदूषक क्या है, एक ही बात हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन ला रहे सी उनका 100% होता है, पी ए एन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टाइचुंग 1 किसकी किस्म है? टाइचुंग 1 किसकी किस्म है? चार ऑप्शन है, चार में राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का? बाद में वो धान का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ? ऑप्शन नंबर जगह बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गैमेट्स के युग्मन को कहते हैं, गैमेट्स के युग्मन को क्या कहते हैं? गैमेट्स के युग्मन को कहते हैं सिनगेमी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम मौज करते रहना, एक भी क्वेश्चन को मिस करना, आज का एग्जाम में यह क्वेश्चन धमाल मचा देगा। इनमें से कौन सी जीनोटाइप चार अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे? जल्दी बताओ। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर फटाफट बताओ क्या होगा? ए बी बी सी सी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का दाय पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंपॉर्टेंट, ये सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, इतना याद रखिएगा। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। क्वेश्चन में 11 के राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर खो उनका आंसर टेंसले ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर खो आ जाएगा, यानी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 12, अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधे को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जा सकता है? जल्दी बता क्वेश्चन में 12 का राइट आंसर क्या होगा। 12 का राइट आंसर जो बच्चे सूक्ष्म प्रजनन बता रहे हैं उनका 100% सूक्ष्म प्रजनन द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 13, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? बंगाल का आतंक कौन सा पौधा को कहा गया? चार ऑप्शन है, चार राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन में 13 का राइट आंसर। किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है होलेंड्रिक जीन उपस्थित होते हो, होलेंड्रिक जो जीन होते हैं किसमें उपस्थित होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका 100% Y क्रोमोसोम में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मजा आ रहा था, एक बार वीडियो को जमकर शेयर करो। सतीश, मुन्नी, कुमारी, जल्दी 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 एक बार शेयर कर दो फटाफट, क्योंकि एग्जाम में कमाल सबको करना है, इसलिए जल्दी से जल्दी सभी बच्चे वीडियो को शेयर करो फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अम्ल वर्षा का कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? जल्दी बता क्वेश्चन 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SO2 होता है, SO3 होता है, राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कृत्रिम बियर स्पेम का उपयोग नहीं किया जा सकता, कृत्रिम बियर स्पेन का उपयोग नहीं किया जा सकता, किसमें नहीं किया जा सकता? तो मछली में नहीं किया जा सकता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, प्लाज्मोडियम के संक्रमण अवस्था है, प्लाज्मोडियम के संक्रमण अवस्था क्या है? क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या हुआ?
बहुत बढ़िया, स्पोरोजावाइटस हो जाएगा, राइट इज ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डायबिटीज का कारण है, डायबिटीज का क्या कारण है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, डायबिटीज का कारण क्या है, तो आयोडीन की कमी होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर, सॉरी आयोडीन कमी नमक से होता है, डायबिटीज डायबिटीज की बात हो रहा है तो वह हार्मोन की कमी होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत सुंदर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है, डेयरी फार्म में क्या उपलब्ध रहता है, क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से, डेयरी फार्म में रहता है दूध, डेयरी में दूध जाता है, मक्खन वही आता है, पनीर भी बनता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, टी सेल उत्तरदायी है, टी सेल किसके लिए उत्तरदायी है, चार ऑप्शन है, चार राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, टी सेल जो है ना वह उपस्थित सेल मीडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो बी लगा का है उनका कमाल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है, डायबिटीज रोगी के मूत्र में क्या रहता है, उसके मूत्र में रहता है क्या रहता है, शर्करा रहता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे, या डार्विन जो थे वो अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे, डार्विन अपनी यात्रा के दौरान गैलापागोस द्वीप पर गए थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, लगभग कितने वर्ष के पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिका रूप प्रकट हुआ था, लगभग कितने वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन का प्रथम अंकुर फूटा था, बताओ, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन ला रहे गो उनका 100% ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा, 2000 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मानव का विकास कहां हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी करवाए थे, मानव का विकास जो है अफ्रीका से हुआ, पहले होमो सेपियंस थे वो अफ्रीका में रहते थे, उनसे विकसित होकर पूरे दुनिया में बन गया, समझ गए, पूरा जीवन आ गया है मनुष्य का। चलिए क्वेश्चन 25, जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया था, बताइए किसने बोला था, 25 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन सी, लुई पाश्चर ने, उनका 100% लुई पाश्चर ने बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बहुत बढ़िया रीमा सिंह, 26, क्वेश्चन 26 का दिम्बाहिनी नलिका, दिम्बाहिनी नलिका यानी फिलोपियंस ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है, क्या बनाती है, क्वेश्चन 26 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन ला रहे कौन का है, स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 27, सीसन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अग्रछद कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, WHO का पूर्ण रूप क्या होता है, WHO का पूर्ण रूप फुल फॉर्म बोलो, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत सुंदर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो बच्चे बी लगा का है उनका कमाल कैंसर है। चलिए यह कुछ मतलब कुछ यहाँ पर नीचे में बेसिक था, मतलब क्वेश्चन दिया गया, ये सभी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते लेते जाइए, समझिए, इंग्लिश वाला बच्चा इंग्लिश में लेते जाइए, हिंदी वाला बच्चा हिंदी में ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते रहिए, दो नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज के कार्यों का उल्लेख, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एकदम, जब सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन है इसमें, इसका PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे, पहले पढ़ाई करिए एकदम मन लगा के, ये सब क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए आप सेकेंड चलते हैं लेकर सेकेंड पार्ट पर, चलिए सेकेंड पार्ट बायोलॉजी का सेट दो पा चुके हैं, जल्दी से एक बार से बच्चे दबा कर वीडियो को लाइक करो और जल्दी से शेयर कर दो सभी स्टूडेंट। जितना भी बच्चे लाइव में एक बार फटाफट शेयर कर दो, आज का क्लास आपके जीवन का एकदम महत्वपूर्ण क्लास है,
आज एग्जाम होने वाला है, आप लोग को एग्जाम में जाकर तहलका मचाना है। चलिए आज का मतलब सेकेंड सेट का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भाग अनुगुणित है, अनुगुणित भाग कौन सा है? क्वेश्चन में बनकर एड्रेस ला क्या होगा, जल्दी से बताओ अनुगुणित भाग कौन सा है, चारों राइट इसला क्या होगा? भाग वन डिम जो है वह अनुगुणित भाग होता है, राइट ऑप्शन में ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दो, एक एलील है, एक एलील किसके बराबर होता है, एक एलील जो है वह किसके बराबर होता है, वह होता है जीन के विकल्पित प्रकार के बराबर होता है, राइट ऑप्शन में सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में थ्री, आस में आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं को का समूह कहलाता है। बहुत बढ़िया गुंजन, आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है, वह कहलाएगा क्या कहलाएगा, आहार जाल कहलाएगा, तो राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फोर, कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है, सहजीवी जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर क्या होगा, उसे कहते हैं माइकोराइजा कहते हैं, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझिए, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव होते हैं जेम्यूलस पाए जाते हैं, जेम्यूलस जो है किसमें पाए जाते हैं, जेम्यूलस पाए जाते हैं स्पंज में, राइट ऑप्शन नंबर और ए हो जाएगा। समझिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, अगर एक समान मनुष्य के एक लकड़ी जो हीमोफीलिया की कैरियल है से शादी करता है तो तब क्या होगा, अगर एक समान पुरुष एक लड़की जो हीमोफीलिया के कैरियल से शादी करता है तो क्या होगा, क्वेश्चन में सिक्स का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन गोला है उनका 100% 50% पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित होगा, राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा दी। बहुत बढ़िया गुंजर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन है, जल्दी बता, क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर क्या होगा, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी सिर्फ प्राथमिक उपभोक्ता होता है, राइट ऑप्शन नंबर खोआ जाएगा यानी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, निम्न से कौन से जैव उर्वरक धान की खेती में उपयोग होता है, धान की खेती में किसका उपयोग होता है, क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से, धान की खेती में साइटोबैक्टीरिया का उपयोग होता है, राइट ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है कि इनमें से कौन सी पौधा क्लिस्टोगेमी पाए जाते हैं, क्लिस्टोगेमी में पाए जाते हैं, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर क्या होगा, बहुत सुना कॉर्मेलिना जो पौधा है वह क्लिस्टोगेमी में पाया जाता है, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दस, दस कहता है डीएनए का हुआ भाग जो अपना स्थान बदलता है रहता है क्या कहलाता है, डीएनए का हुआ भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन का राइट आंसर लाओ फटाफट, बहुत सुंदर, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोज़ोम्स कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी वाले बच्चे मौज कर दिए एकदम एग्जाम में, आज एकदम शांत से रहना है और तालका मचा कर उधर से आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैविक कारक कौन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक कारक कौन है, वह होता है उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघटन करता होता है, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है, कल ही बताए थे कौन सी बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, बहुत बढ़िया, लैक्टोबैसिलस जो लगा रहे उनका कमाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लीची का खाने वाला भाग को क्या कहते हैं, लीची जो है उसको खाने वाले भाग को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत सुंदर, उसके खाने योग्य भाग को एरिलल कहा जाता है, जैसे ये लीची है, ये लीची समझ लो, ये जो है इसका बीज है, ये बीज तो नहीं खाया जाता, इसके बीच भाग को खाया जाता है, इसको खाया जाता है, इसको खाया जाता है, उसके ऊपरी भाग को हटा दिया जाता है मतलब छिलका के रूप में, समझ गए, राइट इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 64 कोडोन में कितने एमिनो अम्ल के लिए कोडोन होते हैं,
64 कोडोन एंड कितने एमिनो अम्ल के लिए कोडोन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका क्या होगा? कितने हो गए? क्वेश्चन में 14 का राइट आंसर आपका क्या होगा? बहुत बड़े 61 उसमें हो गए, 61 होंगे तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में 14 का राइट आंसर जो बचा ऑप्शन नंबर लाने 61 गोवा उनका 100% सही है, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रभाव एक जीव से दूसरे जीव में रूप में होता है, किस लिए? जल्दी बताओ किस कारण? बहुत सुंदर, किस कारण होता है? रासायनिक पदार्थ के कारण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, 16 का बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया खोज मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी बताओ बैक्टीरिया की खोज किसने की है? बैक्टीरिया की जो खोज की है वह लुबेन हॉक ने किया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुबेन हॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कथन इसमें सत्य है? कौन सा कथन जो है इस चारों में सत्य है? जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है, ये सत्य है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण होता है? किसने कहा था या किसने बोला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत सुंदर, जो बच्चे 18 लगा रहे ऑप्शन नंबर सी उनका 100% लेमार्क ने कहा था, ये बात लेमार्क ने कहा था। क्या कहा था? जीवन रूपा का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, थॉमस माल्थस के काज है, थॉमस माल्थस के काज क्या है? तो थॉमस माल्थस का काज है समष्टि संदर्भ है, राइट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, शकरकंद तथा आलू उदाहरण, शकरकंद और आलू किसका उदाहरण है? जल्दी बता, शकरकंद और आलू जो है किसका उदाहरण है? जैसे शकरकंद और आलू को दोनों को जड़ मतलब धरती से बोया जाता है, उगाया जाता है, उसको कोर कर निकाला जाता है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा खोआ, तुल्य रूपता होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एस एल मिलर थे क्या थे? एस एल मिलर जो थे वह क्या थे? वह थे अमेरिकन वैज्ञानिक थे, कहाँ के? अमेरिकन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, प्राकृतिक वरण चुनाव सिद्धांत किसने दिया है? प्राकृतिक वरण चुनाव सिद्धांत जो है किसने दिया है? जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का वह सिद्धांत दिया डार्विन ने दिया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का समजातीय संरचना से हुए होते हैं जिसे जिनके देश हो, जल्दी बताओ समजातीय संरचना हुए होते हैं जिनके देश हो, समजातीय संरचना हुए होते हैं जिनके शरीर संरचना समान लेकिन क्रियाकलाप से समानता विभिन्नता हो, उसे कहते हैं समजातीय, तो राइट इज ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का निम्न में से कौन सा हेम्यूलर प्रतीक्षा के लिए जिम्मेदार है? जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? 20 का फटाफट बताओ क्या होगा? बहुत सुंदर, क्या होगा? टी लिम्फोसाइट होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सुंदर, लाजवाब जवाब, क्या वाह मौज कर दिए। कोकिंग प्राप्त किया जाता है, कोकिंग किसमें प्राप्त किया जाता है? बहुत बने गुंजन मुन्नी कुमारी, बहुत ही अच्छा मौज कर रहे हैं। दो सभी ऑल स्टूडेंट कमेंट करो लाइव चैट में, सभी करो, एकदम एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लाइव चैट में एकदम सभी बच्चे धरा के गर्दा छोड़ाओ। चलिए बहुत सुंदर, कोकीन प्राप्त किया जाता है, कोकीन कैसे प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर सभी स्टूडेंट, बहुत बढ़िया गुंजन मुन्नी कुमारी, कोकीन जो है ना कैसे प्राप्त किया जाता है? इथ्रियोजाइलोन कोक से प्राप्त किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अफीम के अत्यधिक उपयोग से होता है, अफीम का अगर अत्यधिक उपयोग किए करेंगे तो क्या होगा? जल्दी बता क्वेश्चन 26 का,
तो जो शरीर के वजन की कमी, पहले तो कमी आएगा, उसके बाद भोजन के रुचि से हट जाएगा, उसके बाद बांझपन उसमें आ जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी आना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सरक्रिया प्रतिरक्षा की खोज की थी, तो सरक्रिया प्रतिरक्षा की खोज किसने की थी, सरक्रिया प्रतिरक्षा की खोज इनमें से कोई नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 28, दवा कितने प्रकार की होती है, दवा जो है कितने प्रकार की होती है, दवा जो होती है दो प्रकार की होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं, एकदम सभी इंपॉर्टेंट सेट है ये, सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको भी आपको सोचेंगे प्रोवाइड कर देते हैं। चलिए जल्दी से एक बार शेयर करो, तब तक निकाल लें सेट टू, तब तक आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए सेट नंबर 3 आ गया, बायोलॉजी का सेट 3। चलिए आज क्लास करिए, एकदम एक एक क्वेश्चन आपके लिए ललन टॉप क्वेश्चन है, समझ गए। आप लोग को सेट जो 28 क्वेश्चन का सेट करवा रहे, 6 से 7 सेट करवाएंगे, वो सभी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं पूछेगा, सभी एग्जामिनर पूछ चुका है सभी क्वेश्चन को, समझ गए। क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का था कि भून संवर्धन प्रयुक्त होता है, भून संवर्धन किसमें प्रयुक्त होता है, संकरण एवं अवरोधक को दूर करने के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए शुद्धिकरण के दौरान पादप कोशिकाओं के लिए कौन सा एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है, डीएनए शुद्धिकरण के दौरान पादप कोशिकाओं के लिए कौन सा एंजाइम व्यवहार में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर खो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वांछित विशेषताओं वाले पौधे और जंतुओं को प्राप्त करना किसके द्वारा संभव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर को लगा ले, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग उनका 100% ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इटाई रोग उत्पन्न होता है, इटाई रोग किससे उत्पन्न होता है, जल्दी इस क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, इटाई रोग जो है वह केडमियम से प्राप्त होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि केल्स संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है, केल्स संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है, वह होता है ऑक्सन के द्वारा, तो ऑक्सिन के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में होते हैं, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में पाया जाता है रेप्लिकेशन एक का एक ओरिजिन पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नील देह सिंड्रोम किसके द्वारा होता है, नील देह सिंड्रोम जो है वो किसके द्वारा होता है, नील देह सिंड्रोम जो होता है मेथियोगोल्बोनिक में होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का था उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नताएं हैं, उत्तक संवर्धन में प्रकट होने वाली विभिन्नता कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन ला रहे हैं उनका 100% सही है, कहगा सोमोक्लोनल विभिन्नता हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वाहित जल मल उपचार के किस स्टेज में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है, किस स्टेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का बाहुसुदा, जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर खो लगा रहे हैं उनका द्वितीयक उपचार में होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, नियंत्रण जीन को कहा जाता है, नियंत्रण जीन को क्या कहते हैं मुन्नी, जल्दी से बता, नियंत्रण जीन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं गुंजन। क्वेश्चन नंबर 11 के राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन लगा रहे हैं उनका 100 निरोधक जीन कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12, यूकेरियोट्स में इंटीग्रेट जीन प्रोकैरियोट्स के किस जीन की तरह काज करता है, किस जीन की तरह काज करता है, फटाफट बताओ क्या होगा। एग्जाम ये सभी क्वेश्चन बवाल मचाने वाले हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 के राइट आंसर जो बच्चे ला रहे हैं ऑप्शन नंबर
ए उनका 100% नियंत्रक जीन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, दालों में अनुपस्थित अमीनो अम्ल का जोड़ा होता है, दालों में अनुपस्थित अमीनो अम्ल की जोड़ा क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, मेथियोनिन और सिस्टीन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा, यानी सी, क्वेश्चन नंबर 13 का गो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 का था प्रोटीन संश्लेषण में दो अमीनो अम्ल के बीच की किस प्रकार का बंध बनता है। प्रोटीन संश्लेषण में दो अमीनो के बीच किस प्रकार का बंध बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेप्टाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के साथ स्थान पर पिरामिड प्रतिस्थापित हो जाए तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, तब उसे कहेंगे ट्रांसवर्सन कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जीन परिपक्व बीज में भ्रूणपोष रहता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जीन परिपक्व में बीजों में भ्रूणपोष जो रहता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हुआ, उसे कहेंगे एंडोस्पर्मिक कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पुरुष तथा स्त्री के युग्मों का संलयन देश का निर्माण क्या होता है। पुरुष और स्त्री का युग्मों का संलयन जो है ना वह होता है युग्मज के कारण, युग्मज का निर्माण होता है, तो उसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, संघ भर्ता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाते हैं, क्या विकसित हो जाते हैं। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या, 18 का राइट आंसर जो चला रहे पाद एवं उंगलियां जो है विकसित हो जाते हैं दो महीने के बाद, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 कहता है कि शुक्राणु में क्रोमोजोम पाए जाते हैं, शुक्राणु में क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जल्दी बताओ क्वेश्चन में 19 का राइट आंसर क्या होगा। शुक्राणु में क्रोमोजोम पाए जाते हैं, तो कौन से क्रोमोजोम पाए जाते हैं, नन ऑफ दिस पाए जाते हैं, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 20, रिलैक्सिन स्रावित होता है, रिलैक्सिन जो है किसमें स्रावित होता है, रिलैक्सिन जो है वह स्रावित होता है अंडाशय से, राइट ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मौज कर दिया एकदम, कमाल कर रहे हैं गुंजन मुन्नी। चलिए क्वेश्चन में 21, महिलाओं में शल क्रिया द्वारा बंधकरण प्रतिक्रिया को कहते हैं, बंध प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 21 का, बहुत सुंदर, क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नलिका उच्छेदन कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि नर जर्मिनल कोशिका होती है, नर जर्मिनल कोशिका क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जब चला रहे ऑप्शन नंबर ए, उनका 100 द्विगुणित होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सुजाक रोग है, सुजाक रोग किसमें होता है, जल्दी बता सुजाक रोग जो है वह किसमें होता है, सुजाक रोग जो है वह होता है यौन संचालित रोग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोफोबिया एवं एड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिया और एड्स होते हैं किसके कारण होता है, हाइड्रोफोबिया एवं एड्स जो होता है वह होता है वायरस के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, बीसीजी का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव में किया जाता है, बीसीजी का टीका जो है बच्चों को किस बीमारी के उपयोग में किया जाता है, तो वह बीमारी कौन सी है, क्षय रोग यानी टीबी रोग के, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल उच्च दूध वाली है, सबसे अधिक दूध वाली गाय की नस्ल कौन सी है, अभी जस्ट बताए थे कौन सी है, वो होलेस्टीन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्न में से कौन सी मछली समुद्र में पाई जाती है, समुद्र में पाए जाने वाले मछली कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा, मनुष्य में पाए जाने वाली जो मछली है उसका नाम है बम्बेडकर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि मधुमक्खी पालन को कहते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपिकल्चर, पीसी कल्चर या सेरिकल्चर, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपिकल्चर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर, सभी का लाजवाब आंसर है। चलिए नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं, यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आराम से बाद में इस एक का क्वेश्चन को देखकर स्क्रीनशॉट ले लेना।
ये गर्भाशय है, समझ गए, चित्र में देख लो, बहुत सुंदर। एक बार अभी जमकर सभी बच्चे शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो। ये डीएनए संरचना है, जीन संरचना, समझे, ये डीएनए संरचना ऐसे ऐसे होता है, ऐसे जाता है, ऐसे होता है, ऐसे जाता है, उसके ऊपर क्रॉस से लगा रहेगा, क्रॉस से ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। ठीक से चित्र नहीं बना लेकिन ऑलमोस्ट समझ जाइएगा, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे, सेट नंबर कितना है, कितना है, कितना है, आ चुका सेट 4, दिल थाम के बैठी, आ चुका है सेट 4। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, सेट 4 को आने में एक बार खुशी में जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो फटाफट। सभी सुन, सतीश कुमार, चलिए आज चलिए सेट नंबर 4 का राइटिंग चला क्या होगा। कच्चे नारियल का दूधिया पानी होता है, कच्चे नारियल का दूधिया पानी क्या होता है, जल्दी से बता। कच्चे रंग दूध मतलब कच्चे नारियल का दूधिया पानी द्रवित भ्रूण पोष होता है, राइट से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जब स्त्री गर्भावस्था में रहता है ना, तो उस समय उसको पिलाया जाता है भ्रूण को विकसित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन चेन समापन कोडोन है। चेन समापन कोडोन क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और हम भी कई बार बता चुके हैं। वह होता है UAA होता है, राइट से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन बैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के सहायक है। तो चार ऑप्शन है, चारों राइट क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बाहुसन कौन है, इनमें से सभी है यानी नॉन स्टॉक एनोबेना अस्टिक लोटिया हो जाएगा, राइट इस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टी डीएनए डीएनए का पाया जाता है, टी डीएनए किसमें पाया जाता है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, टी डीएनए एग्रो बैक्टीरियम में पाया जाता है, राइट इस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का था अनुमूल्य परागित फूल होते हैं, अनु मिलिया परागित फूल कौन सा आता है। क्वेश्चन नंबर 5 का फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही लाजवाब। जो बच्चे लगा रहे स्व परागित लगा रहे उनका 100% स्व परागित होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर जाएगा सी यानी गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन डीएनए के सब छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ता है, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़े को कौन जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत सुंदर, डीएनए लाइगेज जोड़ता है, राइट से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वह बैक्टीरिया जो जंतुओं और मनुष्यों के अंत में साधारणतया पाया जाता है, क्या पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, सॉरी 7 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन नंबर सी उनका 100% ई कोलाइड पाया जाता है, राइट से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 मुख्य घटक क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 मुख्य घटक है, जैविक एवं अजैविक, दोनों मुख्य घटक है, राइट इस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है नर युग्मक का द्वितीय केंद्र के स्थान युग्मन कहलाता है, नर युग्मन का द्वितीय केंद्र के स्थान के युग्मन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, राइट इस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ओपेरोन मॉडल किसने विकसित किया, ओपेरोन मॉडल जो है वो किसने विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ओपेरोन मॉडल को जेकब और मोनेड ने विकसित किया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, एक पारिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल क्या, एक पारिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल जो होता है वह क्या होता है, वह सूर्य की ऊर्जा होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे को ध्यान रखना एक एक क्वेश्चन को। साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किसमें के द्वारा होता है, साइट्रिक अम्ल का उत्पादन जो है वह किसके द्वारा होता है, वह होता है एस्पराइजिलस नाइजर के द्वारा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वायु परागण का सबसे उच्च उदाहरण क्या है, वायु परागण का सबसे उच्च उदाहरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से
क्या है? मक्का है। तो राइट आंसर ऑप्शन मार ए बी हो जाएगा क्वेश्चन मार 13 का। चलिए क्वेश्चन 14 कहता है राइबोसोम का एक बड़ा झुंड कहलाता है। राइबोसोम का एक बड़ा झुंड क्या कहलाता है? पॉली राइबोसोम कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का पारिस्थितिकी तंत्र का महत्तम किसमें है? महत्व किसमें है? पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व जो है किसमें है? क्वेश्चन 15 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर डी उनका 100% खोआ एवं गोवा दोनों में सामग्रियों के चक्रण में और ऊर्जा प्रवाह में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है? निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है? चार ऑप्शन का जल्दी से राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है? तो वह हो जाएगा इनमें से सभी साइटो बैक्टीरिया है, माइकोराइजा है और सहजीवी बैक्टीरिया है। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कौन सी कोशिका मानव वृषण से शुक्राणु को पोषित करता है? कौन सी कोशिका होती है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बहुत सुंदर सटोली कोशिका होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा यानी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 18 मानव शुक्राणु के बीच भाग स्थित होता है। मानव शुक्राणु के बीच भाग में क्या स्थित रहता है? क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बहुत सुंदर उसमें होता है माइटोकोंडिया बीच भाग में रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 अग्रपुंज पाए जाते हैं। अग्रपुंज किसमें पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? अग्रपुंज जो है ना वो पाए जाते हैं शुक्राणु में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन में ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 गट्ठर किसकी गुहा है? गट्ठर जो है गट्ठर वह किसकी गुहा है? वह गुहा है ग्राफिक पुट की गुहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा सभी का लाजवाब क्वेश्चन में कि मानव में कौन सी प्रजनन प्रक्रिया होती है? मानव में मनुष्य में कौन सी प्रजनन प्रक्रिया होती है? क्वेश्चन में किसका राइट आंसर क्या होगा? लैंगिक प्रजनन होता है मानव में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां किस सिद्धांत पर आधारित है? गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में ला रहे ए उनका 98 एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकदम मौज कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 अंडो उत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? जल्द क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत सुंदर क्या होगा? LH होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 का टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइट जो है वह कहाँ पर उत्पन्न होता है? जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ लगा रहे हैं उनका 100% अस्थि मज्जा में रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि हिस्टामनी संबंधित है। हिस्टामनी किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का हिस्टामनी जो है वह एलर्जी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 रेबीज का टीका किसका खोज था? रेबीज का टीका जो है वह किसका खोज था? वह जो खोज था वह किसका खोज था? बहुत सुंदर हुआ था पश्चर का खोज था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रतीक्षा प्रतिरक्षा तंत्र के अनुक्रिया क्या कहलाती है? जल्दी बताओ क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत सुंदर वह हो जाएगा क्या होगा? वह एलर्जी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 एलर्जी के लक्षणों को कम करने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया गया जाता है? क्वेश्चन 28 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में को लगा रहे हैं उनका 100% सही क्या होगा? प्रति हिस्टामिन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये सब कुछ था बेसिक था इन्फॉर्मेशन है, आप लोग देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बहुत सुंदर। चलिए मॉडल सेट नंबर 5 आ चुका है। जल्दी से एक बार सभी बच्चे वीडियो को फटाफट शेयर करो, फटाफट एक बार शेयर कर दो जल्दी से।
साउंड अब आ रहा है? ये तो मोहज हो गया। चलिए, पौधे में सूत्री विभाजन होता है एंथर के द्वारा, डीएनए रेप्लिकेशन होता है अर्ध संरचित अर्ध असंतत कोशमत्री। निम्न में से कौन जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, पराजीविता और प्रदूषण और बीमारी, ये सभी हो जाएगा। कोशमोफोर, मिथेनोजेंस, निम्न में से क्या नहीं बनाते हैं? वो ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गलकंद का उदाहरण, गलकंद का उदाहरण कोलोकोसिया ओल है, राइट ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक जीन के भिन्न रूप को कहते हैं, वो एलील कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? तो वह हो जाएगा, इनमें से सभी, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस, परागन और धूलकण। जल्दी से एक बार से बच्चे वीडियो को शेयर कर दो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर लगाओ, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आणविक कैंची को डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, उनका 100% रेस्टिकेशन और एंडो न्यूक्लियस कहता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दुनिसेचन प्रतिक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई? द्विनिषेचन प्रतिक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, नरवाचे चीन के द्वारा किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन चेन आरंभ कोडोन है, परम का कोदन है? जल्दी बताओ, इनमें से कौन चेन परम कोदन है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा, यानी AUG होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीन मफलर प्रदूषक किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर प्रदूषक जो है वह संबंधित है ध्वनि से है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा यानी सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, मानव जीनोम परियोजना की खोज किसने की थी? मानव जीवन परियोजना की जो खोज है वह किसने की थी? वह फ्रांसिसी कोलिनस एवं रॉड डिक ने किया था, राइट ऑप्शन नंबर को आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, बुन पोष पोष की उत्पत्ति किससे होती है? बुन पोष की उत्पत्ति जो है वह किससे होती है? राइट से क्या ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा, गुरु बीजाणु से होता है, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बच्चे में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने के क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर गो, उनका 100% ट्राइसोमी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि इनमें से किस क्रिया से DDT की सांद्रता अगली पोषी स्तर में बढ़ती है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर खो, उनका 100% जैव अवर्धन होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि BT20 का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है? BT20 का प्रभाव जो है वह कीट भी मतलब कीट वर्ग पर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर हुआ, इनमें से सभी होता है लेपोडोटेरॉन और कोलियोप्टेरॉन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायपेटेरॉन हो जाएगा। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है स्टोरली कोशिकाएं किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर गो लगा रहे हैं, उनका 100% फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, शुक्राणुजनक की प्रतिक्रिया में शुक्राणु का उत्पत्ति कहाँ से होता है? शुक्राणुजनक प्रतिक्रिया में शुक्राणु का उत्पन्न जो होता है वह शुक्राणु जनक नलिका से होता है, राइट ऑप्शन नंबर को आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मालडी क्या है? मालडी जो है ना वह एक बहुत ही गर्भ निरोधी गोली है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, ओपरिन तथा होल्डेन से किस विकास सिद्धांत को दिया? ओपरिन एंड होल्डेन ने किस विकास सिद्धांत को दिया है? बहुत सुंदर, रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया है, कौन? ऑफरिन तथा होल्डर ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौज कर दिए सी वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 21,
माय डैड इज माय हीरो, क्या मैसेज कर गुरा दिए। मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाते थे, मिलर प्रयोगशाला में क्या बनाते थे, राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा खोआ, अमीनो एसिड बनाते थे, राइट ऑप्शन नंबर खोआ जाएगा यानी सी बी। चलिए क्वेश्चन बाद, पहला मानव जैसा प्राणी को कहा जाता है, पहला मानव जैसा प्राणी को क्या कहा जाता है, जल्दी बता। क्वेश्चन पास का राइट आंसर क्या होगा, बहुत सुंदर क्या होगा, उसे कहते हैं होमो हैबिस कहते थे, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, डायनासोर किस काल में थे, डायनासोर जो थे अपना जैसे होमो सेपियंस जो आए हैं मानव उससे पहले थे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन नंबर सी उनका 100% जुरासिक काल के थे, राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन 24, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है, प्रतिरक्षा कोशिका को, प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन करने की कौन सी कोशिका उत्तरदायी है। क्वेश्चन 24 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर सी उनका अंडर निरोधी टी कोशिका होती है, राइट ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कैंसर कौन है, निम्नलिखित में से कैंसर कौन है, क्वेश्चन 25 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर घ उनका 100 इनमें से सभी है, लाइपोसा ल्यूकेमिया और लिम्फोकमा हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 26, निम्न से भारतीय गाय का कौन सा वैज्ञानिक नाम है, निम्न से भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम जो है वह बोस इंडिकस है, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा ड्रग अवसाद एवं अनिद्रा में उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन गो लगा रहे हैं इनमें से सभी में, एफेटामिन लाइसजिक अम्ल एवं आई एथिल एमाइड या बेजोटा पिन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। चलिए क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28 कहता है कि एस एक एस टी टी है, इसका चरण संरचना होता है, एस जो है एस 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 टी है, इसका संरचना जो है क्या होगा, बहुत बढ़िया एम डी। क्वेश्चन 28 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी ला रहे हैं उनका 100 इनमें से सभी द्वारा होता है, रक्त संरचना एवं दूषित सुई के उपयोग से एवं मैथुन से होता है, राइट ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए हम नेक्स्ट टाइप के चल पढ़ते हैं, टाइप नंबर 6 चलेगा। एकदम लगे रहना है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ना नहीं, समझ गए। चलिए सेट नंबर 6, सेट नंबर 6 का फटाफट आंसर लगाना शुरू करिए, एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो सभी स्टूडेंट के साथ ताकि सबका हेल्प हो सके, फटाफट एक बार शेयर कर दो सभी स्टूडेंट। पहले चलिए क्वेश्चन सेट नंबर 6 लगाइए सर बच्चे। इनमें से किसकी पत्तियों से नए पौधे निकलते हैं, इनमें से किसकी पत्ती से नए पौधे निकलते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, बायो ब्रायो फिल्म से होता है, राइट आंसर ऑप्शन में खो जाएगा यानी ए बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य की त्वचा का रंग
निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य के त्वचा का रंग जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? वह होता है पॉलीजीन के तीन जोड़े के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन में को आ जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो क्या है? राइट से क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सदैव वो खुला रहता है। राइट से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अंगुलिकाएं किसका लार्वा है? तो अंगुलिकाएं जो है वह किसका लार्वा होता है? वह होता है मछली का लार्वा होता है। राइट से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लघु बीजाणु धानी की आंतरिक पोषक भित्ति कहलाती है। आंतरिक पोषण भित्ति क्या कहलाती है? क्वेश्चन 5 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन ला रहे हैं गो, उनका हमें टेपी टर्म कहलाता है। राइट से ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा, यानी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ई कोलाई के लेक ओपेरोन के प्रेरक अणु एक रासायनिक प्रकार है, इसका क्या होता है कारण? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर को लगा रहे हैं उनका 100% है डाइसैकेराइड्स होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन निम्न में से किनके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर को लगा रहे हैं उनका 100% बैक्टीरिया एवं फंजाइम के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पीसीआर टेक्निक का उपयोग किसका पता लगाने में किया जाता है? पीसीआर टेक्निक का उपयोग जो है किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? राइट से क्या ऑप्शन नंबर को आ जाएगा, एचआईवी के द्वारा किया जाता है, एलिसा जांच के द्वारा। राइट से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, एनाट्रोपस बीजांड होते हैं किसमें होते हैं, वह कैसा होता है? जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर खो आ जाएगा, उल्टा हुआ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर खो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बी एवं ओ ब्लड ग्रुप वाले माता पिता के बच्चे का संभव ब्लड ग्रुप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, बी एवं ओ दोनों होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा, यानी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11, ऊर्जा की वह मात्रा जो एक पोषी स्तर से अलग पोषी स्तर तक प्रभावित होता है वो कितना परसेंट रहता है ऊर्जा? क्वेश्चन 11 के जो बच्चे ला रहे 10%, उनका 100% 10% ऊर्जा रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बायोगैस में रहता है, बायोगैस में क्या रहता है? तो बायोगैस में कौन कौन सा रहता है जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? CO2 रहता है, H2S रहता है और CH4 रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, परागण का बाह्यचूल बना होता है, बाह्यचूल परागण का क्या बना रहता है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? और स्पोरोसेल्यूलोज रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा गो, यानी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ई कोलाई के लैंक ऑपरेन में संरचनात्मक जीन की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर खो, उनका 100% 3 रहता है, यानी 3 रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा हस्तांतरण का नियम किसने दिया, बताओ किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर खो, उनका 100% है, लिंडमान ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर खो आ जाएगा, यानी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन कार्बनिक खेती में उपयोग नहीं किया जाता है? कार्बनिक खेती में किसका उपयोग नहीं किया जाता है जल्दी बता। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन ला रहे हैं को, उनका 100% घोंघा का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रोली कोशिका कहाँ पाए जाते हैं? स्ट्रोली कोशिका जो है कहाँ पाए जाते हैं? वो शुक्राणु जनन कोशिका में नलिका में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के किसके संपर्क में आता है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन को लगा रहे हैं उनका पारदर्शी अंडबारन में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्तनपान अंतर्व क्या है? चार ऑप्शन है, चार राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर खो, उनका 100% गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्या यौन शिक्षा विद्यालयों में आवश्यक है? क्या यौन शिक्षा विद्यालयों में आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर को, हाँ तो उनका 100% सही है, वो आवश्यक है जनमत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी गर्भ निरोधक गोली है? गर्भ निरोधक गोली कौन सी है?
क्वेश्चन में किस का राइट आंसर क्या होगा? बहुत सुंदर, कौन सी है? सहेली जो है गर्भ निरोधक बोली जाती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन द्वारा स्रावित हार्मोन में शुक्राणु जनन में सहायक है, कौन सी सहायक है? जल्दी बता, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन होगा एफ एस एच और एल एच होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा गोवा यानी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है झालर कहाँ पाए जाते हैं, झालर जो है कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में कौन लगा अंडाशय के पास उनका 100% ऑप्शन में को आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, डेंगू बुखार का कारक है, डेंगू बुखार का कारक क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में हो जाएगा बी विषाणु है, राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, वैसे रोग जो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित होते हैं उन्हें कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन 25 का राइट आंसर उसे कहेंगे संक्रामक बीमारी कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा यानी ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, नवजात शिशु अपने माँ के दूध में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षी प्रचुर मात्रा में प्राप्त करता है? तो क्वेश्चन में 26 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में को लगा रहे IgA उनका 100% प्राप्त करता है, राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, थाइमस पाया जाता है, थाइमस किसमें कहाँ पाया जाता है? थाइमस जो है वह पाया जाता है हृदय के पास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मेंडल ने काम किया था, मेंडल ने मटर के पौधे पर काम किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं, सेट नंबर 7, चलिए सेट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो सभी स्टूडेंट। निमंकित में से 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है, किसमें 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलता है? जल्दी से क्वेश्चन नंबर लगाओ, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर 12 वर्ष में एक बार पुष्प नीला कुरेंजी का खिलता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मेंडल का एक संकरण अनुपात क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में खो आ जाएगा 3:1 के अनुपात में रहता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर खो आ जाएगा यानी बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस की खतरा है? किस गैस की खतरा है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर को आ जाएगा यानी SO2 का खतरा है, सल्फर डाइऑक्साइड का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय होता है? उच्च तापक्रम में कौन सी सक्रिय होता है एंजाइम? वह एंजाइम होगा टेक पोलीमरेज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमरेज, क्वेश्चन नंबर 5, परिभ्रूण पोषण किसका बचा हुआ भाग है? परिभ्रूण पोषण जो है किसका बचा हुआ भाग है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बीजांड काय का है भाग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वैसे जीव जिनके पास दो एक समान एलील होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? वह कला सम युग्माजी कहलाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बाहित जलमल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं, बाहित जलमल के शुद्धिकरण में क्रियाशील क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में गोवा लगा रहे हैं उनका 100% जीवाणु होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सॉरी गो आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एंडिनोसिन डीमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? क्वेश्चन में 8 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में को लगा जीन थेरेपी द्वारा उनका 100% किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन में को आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, बंधाता के रोगी पहचान नहीं कर पाते हैं, बंधाता के रोगी जो है किस चीज के पहचान नहीं कर पाते हैं? लाल को हरे रंग से पहचान नहीं कर पाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में गोवा लगा रहे हैं उनका 100% ट्रांसलेशन कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन में गोवा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बैक्टीरियो यो फरेजज मार देता है, किसको मार देता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में गोवा लगा रहे हैं बैक्टीरिया को मार देता है, राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12,
बीओडी का पूर्ण रूप क्या होता है? बीओडी का पूर्ण रूप क्या होता है बॉडी का? बीओडी का। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जैवीय समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर गो, उनका 100% शाकाहारी होता है, शाकाहारी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एलिसा परीक्षण में प्रयुक्त अभिकर्मण क्या है? एलिसा परीक्षण में किसका प्रयुक्त जांच होता है? एलिसा में एड्स का जांच होता है, याद है ना? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर गो, पेराक्सीडेज का होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, अपघटक होते हैं, अपघटक क्या होते हैं? क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन गोवा लगा रहे, जीवाणु और कवक उनका 100% अपघटक होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है? ओजोन छिद्र होता है किसके? क्लोरोफ्लोरो कार्बन द्वारा होता है, CFC द्वारा ओजोन ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, नर जर्मन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करती है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर खो आ जाएगा, यानी शुक्राणु का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गर्भाशय एक पतली ग्रीवाल द्वारा खुलता है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा को, योनि में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पित्तपिंड किस हार्मोन को स्रावित करता है? पित्तपिंड जो है किस हार्मोन को स्रावित करता है? राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर खो आ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर खो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? बहुत सुंदर, क्या कहें? चिकित्सीय या संगर्भता समापन कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसे स्थिति में निषेचन की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वेश्चन में किसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में खो आ जाएगा, पात्रेन निषेचन या जीवे निषेचन कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन में खो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन तम्र मोचक IUD है? तो जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर जो चला रहे कॉपर टी, उनका 100% ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हाथी पांव रोग कहते हैं, हाथी पांव रोग किसको कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो चला रहे फलेरिया, उनका 100% फलेरिया को हाथी पांव रोग कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, धूम्रपान से होता है, धूम्रपान से क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी लाइन में से भी उनका 100% सही है, फेफड़े की बीमारी होता है, ब्रेकांटिस होता है, अस्थमा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, तंबाकू दुर्सन से उत्पन्न होता है, जल्दी बता, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर घो, उनका इनमें से सभी हो जाता है, मुंह का कैंसर, डायप्रेटेंशन और हृदय की बीमारी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, शरीर में रोधी क्षमता पैदा करने की क्रिया को कहते हैं, शरीर में रोधी क्षमता प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर खो, उनका 100% सही है, क्या होगा? प्रतिरक्षीकरण कहेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, निम्न में से किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? ऑन्कोलॉजी जो है किसके अध्ययन को कहते हैं? तो वह हो जाएगा कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा वायरस जनित रोग है? इनमें से कौन सा वायरस जनित रोग है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैंसर जो है वायरस जनित रोग है। चलिए नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं, सेट नंबर 8, सेट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट एक बार शेयर कर दो।
निम्न से कौन बीजोन का भाग नहीं है? जल्दी से बताओ, क्वेश्चन वन का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक बीजोन का भाग नहीं है? बहुत सुंदर, कौन सा बीजन का भाग नहीं है? इंडोथेसियम जो है बीजन का भाग नहीं है, एथराइटिस ऑफ सोमेटी हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर दो, अनुवंशिक के जनक किन्हें कहा जाता है? अनुवंशिकी के जनक जो है किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है, एथराइटिस ऑफ सोमेटी सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्न में से कौन जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में खो जाएगा, विशेषटन घाट हो जाएगा, राइट सब खोलेगा। बहुत बढ़िया साक्षी, प्रिया, प्रियंका, एमडी, रियाज। क्वेश्चन नंबर फोर, एक पारिस्थितिकी तंत्र में इनमें से मनुष्य किस पोषी स्तर के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर फोर का राइट सब जो बच्चे ऑप्शन को है सर्वभक्षी के अंतर्गत, राइट सब ऑप्शन में गो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, चिड़िया के द्वारा परागण कहलाता, चिड़िया के द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन में को आ जाएगा, एंटोमोलिपी कहते हैं, राइट ऑप्शन में को आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सॉरी, चिड़िया के द्वारा परागण कहलाता है, ये कहलाता है ऑर्थिनोफिली कहलाता है, ऑर्थिनोफिली कहलाता है, राइट ऑप्शन में सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, एमआरएनए का निर्माण होता है, एमआरएनए का निर्माण किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे केंद्रक में, उनका 100% है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सात, जल प्रदूषक का सूचक जीव जीव है, जल प्रदूषक का सूचक जीव क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? ई कोलाइड हो जाएगा, ई कोलाइड है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा, यानी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ, ध्वनि प्रदूषण माप इकाई है, ध्वनि प्रदूषण की माप इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा को आ जाएगा, देसी बल है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, अंड समुच्चय बना होता है, अंड समुच्चय जो होता है अंडा का ऊपरी भाग क्या चीज रहता है? क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर गो, उनका 100% दोनों रहता है, अंड अंड कोशिका से होता है, सहायक कोशिका से भी होता है। क्वेश्चन नंबर दस, जंक डीएनए कहा जाता है, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर टेन का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर खो, नन कोडिंग क्रम को कहा जाता है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, एक बंद तला पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड रहता है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर को आ जाएगा, सदैव सीधा रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस एंटीबॉडी की खोज सर्वप्रथम हुई थी? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर गो, उनका 100% पेनिसिलिन की खोज हुई थी, तो ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पेनिसिलियम में जनन कोश होता है, पेनिसिलियम में जनन होता है किसमें? चलिए बताओ, बहुत बढ़िया, किसमें होता है? कोडिनिडिया से द्वारा होता है, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने प्रभाविता और पृथककरण दोनों प्रभावित किया था, राइट ऑप्शन नंबर घो आ जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, और प्रभावी गुणों वाली संयुग्मजी जनक के साथ F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण कहलाता है, क्या कहलाता है? संकरण जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है परीक्षार्थी संस्करण कहलाता है, राइट ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या होगा? सदैव सीधा चलता है, राइट ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, रवीश में कई प्रकार के देश समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर खो आ जाएगा, प्रतिरक्षी तत्व होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर खो आ जाएगा, यानी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गर्भ अवस्था के दौरान गर्भ के पहली गतिशीलता की माह में देखा जाता है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा, क्या होगा? पांचवें माह में, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, शिशु के लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो वह पिता के द्वारा होता है, किसके द्वारा? पिता के द्वारा, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 19 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न कि माता के द्वारा, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी लवर, जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 20, 8 से 16 कोरक खंडों
वाले भुवन को कहते हैं, क्या कहते हैं? आज से 16 कोरक खंड वाले भुवन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन में 20 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में खोआ लगाने टूटा का उनका 100% सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 21, शुक्राणु में अग्रपुंज का निर्माण किससे होता है? शुक्राणु में अग्रपुंज का निर्माण किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में 21 का फटाफट राइट आंसर क्या होगा? शुक्राणु में अग्रपुंज का निर्माण किससे होता है? क्वेश्चन में 21 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन में खो उनका 100% सही है, क्या होगा? गल्गी बॉडी से, उनका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विषण कोष का काज है, विषण कोष का काज क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? विषण के तापक्रम को शरीर के तापक्रम से कम करना होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? किनके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? 24 का राइट आंसर क्या होगा? फलेरिया के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को कहते हैं, क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक में अगर हो जाता है कैंसर तो उसे क्या कहेंगे? सरकोमा कहेंगे, क्या? सरकोमा, राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, IgM एंटीबॉडीज पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर बी उनका 100% रक्त में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस रोग में कीट रोग वाहक होता है? कीट रोग वाहक कौन होता है? क्वेश्चन 27 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में कौन लगा रहे हैं उनका मलेरिया में रहता है। क्वेश्चन 28 का था, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है? क्वेश्चन 28 का राइट आंसर ऑप्शन में घो आ जाएगा, 4 पेप्टाइड श्रृंखला होती है, तो ऑप्शन नंबर घो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेट नंबर 9, सेट नंबर 9। चलिए खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 9 का ऑप्शन नंबर लगाइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। खुराना का नोबेल पुरस्कार जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु मिला था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेड बनाने में कौन से सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होते हैं? तो ब्रेड बनाने में कौन से सूक्ष्म जीव प्रयोग होता है? तो वह एस सीरी वाइसी प्रयोग होता है, राइट आंसर ऑप्शन में गो आ जाएगा, यानी डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सर्दन वाल्टिंग द्वारा की जाती है, क्या क्या किया जाता है? जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का, बहुत सुंदर, क्या क्या? डीएनए खंडन की पहचान डीएनए या आरएनए प्रोब द्वारा होता है, राइट आंसर ऑप्शन में गो आ जाएगा, यानी डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीयक प्रदूषक होता है, द्वितीयक प्रदूषक जो होता है वह क्या होता है? वह होता है पेन होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन तालाबीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर गो उनका मछली में होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चिपको आंदोलन किसके बचाव के लिए चलाया जाता है? चिपको आंदोलन जो है किसके बचाव के लिए चलाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा गो, वन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कौन कैंसर का कारक होता है? कैंसर का कारक कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा, को और खो दोनों, ऑन्कोजीन का सक्रियण और ट्यूमर सप्रेसर जीन का निष्कर्षण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, को एवं को दोनों। क्वेश्चन 8, टीटी गुने टीटी बड़ी टीटी गुने छोटी टीटी क्या कहलाता है? क्वेश्चन 8 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में गोला है टेस्ट क्रॉस कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बांस की प्रजाति में फूल खिलते हैं, बांस में पूरे जीवन में एक ही बार फूल खिलता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कितने प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज यूडी को यूकेरियोटिक कोशिका से संबंधित है? क्वेश्चन 10 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन नंबर
सी उनका 105 है, कितने 5 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्वस्थान संरक्षण का उदाहरण है। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर घ उनका 100 इन्वेस्टेड सभी होता है जगह जंतु उद्यान वनस्पति उद्यान और जीव सफारी पार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मार्ग क्या होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मार्ग क्या होता है। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर घ जगह उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी अपघटन का होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इनमें से कौन भाग द्विगुणित है। इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो चला रहे ऑप्शन नंबर कौन का युग्मज का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 मॉर्गन में ड्रोसोफिला को प्रयोग में लाया क्यों। चलिए बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर गो उनका 100 में जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा यानी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। किसी भी आबादी का स्वरूप किस पर निर्भर करता है। चार ऑप्शन है, चार राइट आंसर लगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। किसी भी जाति का जो निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर जो 15 का राइट आंसर आ रहे ऑप्शन में क्या होगा ऑप्शन हो जाएगा घो आय यानी जातीय रचना घनत्व और वितरण तीनों पर निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसे बुरे प्रभाव को नियंत्रित करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर गो उनका 100% है क्या होगा ओजोन अक्षय को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा यानी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 मानव में निषेचन होता है। मानव में दस निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर खो लगा रहे उनका 100 आंतरिक होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 एक परिपक्व पुटक के अंदानु के मोचित होने से होने की प्रक्रिया को कहते हैं। मोचित होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा को अंडो उत्सर्ग कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवाहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को त्याज कहते हैं। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर गोवा लगा रहे उनका 100 अपरा कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 निषेचन देश से संपन्न होती है। निषेचन जो है किससे संपन्न होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर खो आ जाएगा डिम्बवाहिनी नलिका से होती है, राइट आंसर ऑप्शन खो आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हायुगोब डिबे रिज ने किस पौधे पर काज किया। क्वेश्चन में 21 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में घो लगा रहे उनका 100 इबंडिंग प्राइम रोज पर। क्वेश्चन नंबर 22 हार्डिट बेनबर्ग सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर खो आ जाएगा एक जीवन संख्या अलील अभिव्यक्तियां और उनके लोकस सुस्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक नियंत्रण रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 कहता है अग्रपाद की स्थितियां चमगादड़ चीता और मानव के क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा यानी सम जातीय होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 न्यूमोनिया किससे होता है। निमोनिया जो है किससे होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा निमोनिया होता है स्पिरिटोकोकस निमोनिया से होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 मूलतः जल जात रोग है। मूलतः जल जात रोग है। जल्दी बता क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा पीलिया होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 एड्स की पहचान सर्वप्रथम हुई थी। एड्स की पहचान किस राज्य में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर जो बच्चे ला रहे ऑप्शन नंबर घो उनका 100% संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सलमोनेला संबंधित है। सलमोनेला किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में घो लगा रहे उनका 100% टाइफाइड से है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 रासायनिक दृष्टि से एंटीबॉडी है। रासायनिक दृष्टि से एंटीबॉडी क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में क्या लगा रहे हैं उनका 100% सही है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मतलब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जल्दी से एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दो। सेट नंबर 10, चलिए सेट नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से वीडियो को सभी बच्चे शेयर कर दो, लास्ट सेट है अभी। 10 सेट करवाए, 28 क्वेश्चन, 280 क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए, इनमें से कौन वायु प्रदूषक का मुख्य कारण है? वायु प्रदूषण का मुख्य कारण कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, यानी चारों, ऑटोमोबाइल से है, उद्योग है और जलता कोयला, ये सभी है मतलब वायु प्रदूषक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वह एंजाइम जो ओकाजाकी खंड जोड़ता है क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर गो लाइगेज होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पीसीआर किसके लिए आवश्यक है? पीसीआर जो है किसके लिए आवश्यक है? जल्दी बता, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो चला रहे हैं ऑप्शन नंबर खो, उनका 100% डीएनए संवर्धन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रोमा कोलोना विभिन्नता किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा, किसके द्वारा? उत्तक संवर्धन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विषाणु मुक्त पौधे किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? विषाणु मुक्त पौधे जो है ना वह प्राप्त होते हैं विभाजोत्तक संवर्धन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन बंध डीएनए के किन दो अवयवों के बीच रहता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर गो आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्षार के द्वारा आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन क्लोनिंग वेक्टर की तरह उपयोग में लाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में को लगा रहे हैं उनका 100% है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियंस हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है? क्वेश्चन में 8 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर को, उनका थर्मल एक्टिविटीज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रासायनिक संयोजन या विद्युत संयोजन किसके लिए प्रयुक्त होता है? रासायनिक और विद्युत प्रयोजन जो है ना संयोजन वह प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा, प्रोपलास्ट संयोजन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए का विलंगन किया जाता है, डीएनए का विलंगन जो है किसमें किया जाता है? तो वह सीटीएबी में टेक्निक द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर घ, उनका HGH का प्रयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का वह एंजाइम जो बाली जो के बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर को लगा रहे हैं उनका अल्फा एमाइलेज कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पोमेटो किसके बीच का दैहिक संकरण है? पोमेटो जो है किसके बीच का दैहिक संकरण है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा, आलू और टमाटर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए के थायमिन पिरामिडिन क्षार की जगह आरएनए में कौन सा पिरामिड क्षार होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन में घोआ लगा रहे यूडेलिस, उनका 100% ऑप्शन नंबर घोआ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 कहता है बीटी कॉटन किसके प्रतिरोध है? किसके प्रतिरोध है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन में को, उनका 100% कीट का प्रतिरोध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हम्यूलिना शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो बच्चे लगा रहे ऑप्शन नंबर घो, उनका 100% हम्यूल इंसुलिन के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, पुष्प जनन तंत्र शरीर के देश में अवस्थित होता है? पुष्प जनन तंत्र जो है वो किस में अवस्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा, श्रोणि क्षेत्र में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अंडाणु का निषेचन देश में होता है? अंडाणु का जो निषेचन होता है वह होता है गिरबा नाल में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्नता प्रजाति में के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर
अन्य भूगोलिक क्षेत्र में तक प्रसारित होने को कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन 19 का राइट आंसर बाद में अनुकूली विकिरण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विकास के डार्विनवाद की दो मुख्य संकल्पनाएं हैं कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा खो, प्राकृतिक वर्णन एवं सारावनी अवरोहण है। राइट आंसर ऑप्शन में खो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, लेमार्क किस देश के थे? लेमार्क जो थे वह किस देश के थे? तो वह हो जाएगा फ्रांस के थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा अनुवंशिक रोग है? निम्नलिखित रोगों में से कौन सा अनुवंशिक रोग है? राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर को आ जाएगा, हीमोफीलिया जो अनुवंशिक रोग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, रिट्रोवायरस का उदाहरण क्या है? रिट्रोवायरस का जो उदाहरण है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा, HIV है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, मानव में हाथी पांव रोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? मानव में हाथी पांव रोग के लिए कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा, बुचरेलिया बेक्रोफाइटा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा, यानी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्न में से कौन सी वायुजनित रोग है? निम्न में से कौन सी वायुजनित रोग है? राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर को आ जाएगा, निमोनिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, स्त्री जनन तंत्र में कितने अंडाशय होते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा, एक जोड़ा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, जर्मन कोशिकाएं किस प्रक्रिया से फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा, असूत्री विभाजन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, शुक्राणु जनन उत्पन्न करते हैं, शुक्राणु जनन उत्पन्न किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर को आ जाएगा, शुक्राणु को उत्पन्न करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सभी बच्चे बताइए आज का क्लास कैसा लगा, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।